हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी बेटा इंग्लिश की 8th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 27 और जो हमारी डेट है बेटा वो है 30 दिसंबर 2020। इसमें जो हमारा लेसन है आज जो हम पढ़ेंगे, लेसन जो हमारा कंटिन्यू हो रहा है वो है दिस इज़ अ जोडीज फ़ोन। की ये जोडी का फ़ोन है, ये कंटिन्यू है। सबसे पहले हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन कि लुक एट द एनिमल पिक्चर्स एंड राइट दियर नेम। के एनिमल पिक्चर को देखो और बताओ कि ये कौन है। हम तो दिख रहे हैं तो ये कौन है? फर्स्ट कौन है? लॉयन। कौन है? लॉयन। दूसरा क्या है? ये जकाल। जकाल क्या होता है? भेड़िया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भेड़िया, जकाल। ठीक है, इसको हम भेड़िया भी बोलते हैं। ये क्या है? हमारा डोगी। इस ये क्या है? डोग। ठीक है, ये क्या है? DOG डॉग। ये क्या है? कंगारू। ये क्या है? कंगारू, कंग गारू। ठीक है, ये क्या है? कंगारू। और ये क्या है? ये है चिमपैंजी। चिमपैंजी। सिक्स पिक्चर किसकी? आपकी बेटा कैमल की है, कैमल। और ये क्या है? बियर। ये बियर कौन होता है? भालू। ठीक है, तो हमने सारे बता दिए, लॉयन, जैकाल, डॉग, कंगारू, चिंपैंजी, कैमल और बियर। अब हम चलते हैं आगे कि रीड द फ्लोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। के जो लेसन से हमारा जो पैसेज दे रखा है इसको हम पढ़ते हैं। हमने लास्ट मौके तक पढ़ा था कि लास्ट हमने वर्कशीट पर पढ़ा था कि बहुत तेज बारिश आ रही थी और बारिश ने रात को बारिश आई थी और बारिश ने क्या कर दिया था, सारे जो निशान थे वो क्या है, हटा दिए थे। उससे आगे का हम पढ़ते हैं कि मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड। कि जो मूवमेंट जो हो रही थी, मतलब वो यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा था, इतनी मतलब मूवमेंट थी और के सामने मतलब इतना उसके सामने जो हलचल हो रही थी उससे क्या, वो बहुत ही मतलब वो बहुत ही भौचक्का सा रह गया था। मतलब बहुत ही मतलब अजीब सा फील हुआ और वो क्या है, ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड, और वो पीछे की तरह क्या है, गिरा। ठीक है, ट्रम्बल्ड माने क्या होता है? मोड बैक, मोड मतलब पीछे लुढ़कना और बैकवर्ड कहते हैं पीछे। तो वो क्या है, कौन जोड़ी क्या है, उसके सामने एक मतलब अजीब सा मतलब इतनी हलचल सी हो रही थी, वो क्या है, अचानक से क्या है, वो पीछे की तरफ गिरा। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हीज। जो फिर जब वो पीछे की तरफ जब जोड़ी जो था पीछे की तरफ जो लुढ़का था, तब क्या वहाँ क्या है, एक जो जिसको वो ढूंढ रहा था फोन को, वो फोन था, तो फोन ने क्या अपना फेस जो है उसको उसकी तरफ किया। द फोन लिफ्टेड हीज फेस टू हीज, मतलब उसकी तरफ उसने अपना फेस किया। इट टर्न इट्स हैड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। तो उसने क्या है, जो फोन था उसने क्या है, अपना जो सिर था, वाइट सिर था, उसने क्या है अपना चेहरा उसने टर्न किया, मतलब अपना चेहरा उसने घुमाया और उसकी जल से भरी जो आँखें थी देखकर वह सिर मतलब जो उसने अपना जो चेहरा था वो घुमाया और वो जो उसकी जो आँखें थी जो क्या जल से भर रही थी उसको देख के क्या है जोड़ी बहुत ही मतलब उसको अजीब सा लगा। फिर क्या, इट वॉज क्विकिंग, और वो क्या है, ठीक है, फिर क्या घुमाया, फिर क्या है वो धीरे, फिर वो क्या है बहुत ही मतलब क्विकिंग माने क्या होता है, कांप गया, वो कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज टू रन, और उसने कोई भी क्या है एफर्ट नहीं दिखाया, कोई भी मतलब वो वहाँ से भागा नहीं, उसे कोई भी एफर्ट्स नहीं दिखाया कि वो भाग सके या वहाँ से जा सके। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी ने भी अपने आप को उसके भी इतना मतलब उसे भी इतना नहीं लगा कि वो भी वहाँ से जाए, मतलब दोनों को मतलब आपस में वो दोनों क्या है उन्होंने आपस में देखा तो मतलब इतना मतलब खुश कह सकते हैं हुआ कि ना उसने भागने की कोशिश करी ना उसने। ही विस्पर्ड इट्स मी, उसने जोडी ने क्या धीरे से कहा कि ये मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज एंड सेंटेड हिम, जो फ़ोन था उसने अपनी जो नोज थी उसको उठाया और उसको क्या सूंघना शुरू कर दिया। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने क्या अपना जो हाथ था अपना वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, जो उसने जो अपनी सॉफ्ट नेक थी जो उसकी नेक थी उसने क्या है जोडी के हाथ पर क्या है रखी। ठीक है, और उसने क्या है उसके ही रीच आउट वन हैंड एंड लेड ऑन टू द सॉफ्ट नेक, उसने क्या है अपना जो एक हाथ उठाया और उसके सॉफ्ट नेक पे रखा। द टच मेड हिम डिलीरियस, जो टच था उनको क्या मतलब डिली मतलब बहुत ही अच्छा लगा, इसका मतलब होता है डिलीरियस माने इसका मतलब डिलीरियस माने होता है बहुत ही एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मतलब वो बहुत ही खुश हो गए जो उन्होंने क्या आपस में जो उनका टच हुआ ना उससे क्या वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, जैसे कहते हैं जब कभी हम कहीं मिलते हैं किसी से बहुत सालों बाद तो हम आपस में हाथ मिलाएं या गले मिलाएं तो हमें बहुत ही आनंद सा महसूस होता है, ऐसे ही फ़ोन को और उस जोड़ी को महसूस हुआ। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड, वो क्या है अपने चारों पाँव से वो जब तक उसके पास आया तब तक कि उसने उसको
मतलब उसके पास वो धीरे धीरे जो फोन था वो धीरे धीरे उसके पास आता गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिट्स बॉडी, और जॉर्डी ने भी किया अपनी जो आर्म्स थी उसके चारों तरफ रख दी, मतलब उसको जैसे होता ना वो मतलब उसके पास आया और उसने भी किया है उसको आर्म से अपनी आर्म से उसको मतलब पकड़ लिया। अ लाइट कॉन्वल्यूशन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टीयर, मतलब उन दोनों का मतलब अब जब गले मिले तो वो उसमें क्या हुआ एक कपकपी सी लगी उन दोनों को, लेकिन दोनों ही कोई भी क्या है वहाँ से मतलब हिला नहीं, मतलब दोनों में ऐसे मतलब कपकपी सी हुई लेकिन कोई भी क्या है वहाँ से हिला नहीं। ही स्ट्रोक इट्स साइड्स एज जेंटल एज थ्रू द फोन वर्ड चाइना, मतलब ही स्ट्रोक मतलब उसे ऐसा लगा कि वो जो फ़ोन था वो बहुत ही मतलब बहुत ही डेलिकेट, चाइना डियर मतलब जो हमारे जो चाइना के मतलब जो हमारे कप या गिलास होता है वो बहुत ही डेलिकेट होते पतले होते, उसी के उसने सोचा कि ये तो बहुत ही यह है मुलायम है। एंड उसने पकड़ा उसे लगा कि कहीं ये टूट ना जाए कि इतना मुलायम है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, जो उसकी स्किन थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, वो क्या बहुत ही सिल्क मान क्या होती पतला और साफ था। और हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से क्या है जो ग्रास की मध्यम मध्यम से जो खुशबू आती है उसमें से जो फ़ोन में से आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्ट द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, वो धीरे धीरे ही रोज धीरे धीरे उठा और उसने ग्राउंड से क्या है फ़ोन को उठाया। इट्स लेग हंग लंपली, जो उसकी जो लेग्स थी वो मतलब जो लड़खड़ा रही थी उसकी जो लेग थी वो धीरे धीरे से लड़खड़ा रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो जो उसकी लेग्स थी वो बहुत ही क्या लंबी थी, आपको पता है कि जो लंबी होती है इनकी जो लेग्स होती है लंबी थी। एंड हैड टू होज द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसको क्या है फोन को जहाँ तक लहरा सकता था मतलब जहाँ तक वो उठा सकता था उसकी लैग को उसने उतनी लैग को उसने अपनी आर्म में उठाया, जैसा होता है ना जैसे बहुत लंबी लैग होती तो बच्चा भी छोटा ही था तो उसने जब तक उसको उठाया मतलब जहाँ तक वो उसको ऊपर तक उठा सकता वहाँ तक उसने उसको उठाया। तो बच्चों ये हमने क्या है अपना पैराग्राफ पढ़ लिया और समझ लिया। अब हम इसे क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश टर्न इट्स हैड विद वाइड वंडरिंग मोशन, कि किसने अपनी जो हैड था वो उठाया था और एक मतलब उसको वंडरिंग मोशन था अचंभित जो मोशन के साथ अपने किसने घुमाया था किसने घुमाई थी अपना हेड, कौन था वो जोड़ी था फोन था वो कौन था फोन, हम क्या लिख देंगे फोन। डैश विस्पर्ड इट्स मी, किसने धीरे से बोला था कि ये मैं हूँ, किसने किसने बोला था जोड़ी ने। डैश वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हीज आर्म, के सरप्राइजिंग वो क्या थी बहुत ही लंबी थी और जो जोड़ी था उसको जो लेग को क्या है बहुत ऊंचे तक उठाना पड़ा। तो किसकी लेग लंबी थी जोड़ी इसके क्या फ़ोन की किसकी थी फोन्स के, तो आप ही बेटा यहाँ से देख के लिख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट कि इट हैड नो एफर्ट टू राइज और रन, हु इज़ इट, कि किसने क्या है वहाँ से भागने का या चलने का किसने एफर्ट नहीं करा, वो हु इज़ इट, इट कौन है इसमें, इट किस मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि इट किसके लिए यूज़ हुआ है, जोड़ी के लिए फ़ोन के लिए, तो किसके लिए यूज़ हुआ है फ़ोन के लिए। हाउ वाज फोन स्किन, जो स्किन थी जो फ़ोन की स्किन थी कैसी थी वेरी सॉफ्ट, हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि वो क्या थी वेरी सॉफ्ट, हम क्या लिख देंगे वेरी सॉफ्ट, कि जो उसकी स्किन थी वो कैसी थी वेरी सॉफ्ट। तो बच्चों हमने क्या है आपकी 8th क्लास की पूरी वर्कशीट आपको एक एक पैराग्राफ समझा भी दिया है और हमने क्वेश्चन आंसर भी इसके सोल्व कर लिए। तो बच्चों आपको अगर आपको अच्छी लगी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो बेटा लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं कि आपको जो आज की वर्कशीट कैसी लगी। और बच्चों जो नया बच्चा है हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कीजिएगा। और हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए बच्चों और कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।